हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनके लिए जो जिन्होंने टेंथ करके डायरेक्ट 2 साल की आईटीआई किया है। ओके, जो टेंथ करके 1 साल की आईटीआई किए हैं उनको सैलरी एज ए कंपेरिजन 2 साल की आईटीआई जिन्होंने किया है उससे कंपेरिजन इनकी सैलरी कम मिलेगी, लेकिन उनको भी जॉब मिल जाएगी दूसरी कंपनी में, उस कंपनी में नहीं। 12th करने के बाद जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर की जानकारी है, बेसिक जानकारी है, कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, उनको क्या सैलरी मिलेगी? एक्चुअली 10th करके 2 साल के आईटीआई प्लस 12th करके जो जिन्होंने 1 साल 6 महीने या फिर 3 महीने का कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है उनको भी सैलरी सेम मिलेगी। तो इसका क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे ये जॉब आपको मिल सकता है, इस सब के बारे में आप बात करेंगे पूरा डिटेल में। और इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो, काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों सब लोगों के लिए है। बड़ा आपका क्वेश्चन रहता है कि सर हमको सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी आप लोगों को इसमें मिलने वाली है 13,000 से 14,000 के आसपास, दोनों के बीच में रही, 13,500 और 13,800, 13,300, 14,000 तक सैलरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके लिए, क्वालिफिकेशन 10th प्लस 2 साल के आईटीआई या फिर 12th है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। तीसरी बात आती है कि आपका ड्यूटी आवर्स कितने का रहेगा सर, तो ड्यूटी आवर्स आपका 8 घंटे की रहेगी, ड्यूटी आपको शिफ्ट वाइज रहेगी, एक एक वीक में, हर वीक में बोले तो आपका शिफ्ट चेंज होगा, जिसको बोलते हैं रोटेट शिफ्ट, आप हर वीक में शिफ्ट चेंज होगा, फर्स्ट सेकेंड नाइट ड्यूटी रहेगी। ओवर टाइम वहाँ पर एकदम बिल्कुल जीरो रहता है, आपको ओवर टाइम मिलने का चांस बहुत कम है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और कंपनी की फैसिलिटी क्या रहेगी, आप लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है सर कंपनी की फैसिलिटी क्या रहेगी, तो कंपनी की फैसिलिटी है आपको ट्रांसपोर्ट और खाना, एक टाइम आपको खाना मिलेगा वर्किंग आवर्स में और आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगा पूरे साउथ गोवा में, साउथ गोवा में आप कहीं से भी आप रहते हो वहां से आपको कंपनी पिकअप ड्रॉप करती है, तो आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ओके, और कुछ आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ आंसर है, तो आप नीचे चैट सेक्शन में जाओ, वहां से हमें बातचीत कर सकते हो, वहां से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे वहां से आपका रिप्लाई देने के लिए। और सबसे लास्ट बात आती है, लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलते हो सर काम क्या करना पड़ेगा, तो काम आपको बेसिकली एज ए हेल्पर रहेगा, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के पैकिंग तक जितने भी प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं सारे प्रोसेस आपको फॉलो करना है, उस प्रोसेस से आपको काम करना है, उसमें थोड़ा कहीं काम भारी भी रहेगा, थोड़ा कहीं काम हल्का भी रहेगा, किसको स्टैंडिंग भी ड्यूटी करके करनी पड़ेगी, किसको बैठ के भी ड्यूटी मिलेगी, किसको एसी में भी काम मिलेगा, किसको बाहर फैन का भी हवा खा कर काम करना पड़ेगा। ओके, तो एज ए काम क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट आपका फोकस रहता है सर सैलरी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और उसमें फैसिलिटी क्या मिलेगी, वहाँ काम क्या करना पड़ेगा हमें, तो एज ए वहाँ पर काम आपको एज ए टेक्निकल हेल्पर काम करना है, प्रोडक्शन में आपको काम करना है तो आपको एज ए हेल्पर ही काम करना है, पैकिंग प्रोडक्शन का काम है तो आपको एज ए हेल्पर ही काम करना है, ध्यान देखो, पूरा ध्यान में आप ले लो इस बात को, आपको एसी में काम नहीं मिलने वाला, प्रोफेशनल ऑफिस का काम नहीं है इधर। ओके, अगर और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे चैट सेक्शन में जाओ, वहाँ से आप हमें कमेंट करके पूछो, हम वहाँ से बताने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों के एक अपॉर्चुनिटी और है कि अगर आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब ज्वाइन करना चाहते हो तो वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर अपना एड्रेस, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका मोबाइल नंबर कमेंट करके रख दो, हम वहाँ से आपका कमेंट पिकअप करके हम आपसे बातचीत करेंगे। ओके, आप अभी तक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किए हैं तो जाके फटाफट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हम वहाँ से मिलते रहते हैं आप लोगों को कोई ना कोई अपडेट लेकर के, जो भी यूट्यूब में अपडेट होता है हम इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर देते हैं, वहाँ से आप बातचीत होती रहती है आप लोगों से, तो आप इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर लो। अभी तक हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कर दो, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। अब चैनल पर आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दे दीजिए, नमस्कार।